हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव शर्मा कंपटीशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम फिर से आरआरसी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं और ये प्रैक्टिस सेट फोर्थ है, ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने तीन प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख लेंगे। और मेरे साथ कंटिन्यू बने रहने के लिए यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार होगा, हेल्पफुल होगा। तो चलिए, आप एक काम कीजिएगा कि स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन आता है आप उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उसके एक्सप्लेन को भी आप देखिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका स्पीड बढ़ेगा, साथ में एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कीजिए और उसके बाद जो है कि फिर एक्सप्लेन को देखिए। और पूरे वीडियो को देखने के बाद आप अंत में डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसके पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और एक बार खुद से फिर प्रैक्टिस करेंगे, उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे कि कितना हम कम समय में इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ऐसा, जैसे 16 डिवाइड 2 × 25 माइनस 50 डिवाइड 5 डिवाइड 3 इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन जो होता है सिंप्लीफिकेशन का, आप बिना पेन या कॉपी के भी आसानी से बना सकते हैं। कैसे वो देखिए। सबसे पहले हम करते क्या है कि जो इसके अंदर में है उसको हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो 50 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, फिर 25 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15, ठीक है। तो यहाँ 15 हो गया, फिर 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 5, फिर 5 गुना और सॉरी 5 आएगा और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि 8 × 40 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं 40 आंसर है, लेकिन चलिए इसको हम और डिटेल से आपको बताते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग है तो डिवाइड इसको कर सकते हैं। तो इसका डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, इनटू इसमें अगर करते हैं तो 10 × 50 और 25 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, फिर डिवाइड 3 है। तो अगर यहाँ पे 15 में 3 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारा 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, दिमाग में ही माइंड में कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्याओं का औसत 16.5 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 18.5 है, तो तीनों संख्या हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि तीसरा संख्या निकाल दीजिए। तो तीसरा संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरा संख्या बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3 संख्या का औसत दिया है 16.5, तो इससे पहले हम एक चीज कर सकते हैं कि बाकी जो 2 संख्या दिया है पहले उसको ऐड कर दीजिए और बाकी 3 संख्याओं को माइनस करेंगे। तो पहली 2 संख्या कहता है कि 15.5 है 2 संख्या का औसत, तो तीसरा संख्या निकालेंगे तो 2 संख्याओं का योग कितना होगा, 15.5 × 2 प्लस, फिर कहता है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 18.5 है तो 18.5 × 2 कर दीजिए और उसके बाद माइनस करना है 16.5 × 3, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत ये दिया हुआ है तो हम 3 संख्याओं का योग निकाल दिए, कि 2 संख्या का पहली 2 संख्या का योग और अंतिम 2 संख्या का योग, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 30 यहाँ पे हो गया 31 प्लस 18 × 36 यहाँ हो गया 37 माइनस ये हो जाएगा 16 × 48 49 हो जाएगा, सॉरी 49 नहीं होगा, ये हो जाएगा 5 × 15 6 × 18 1 19
और ये हो जाएगा 3 × 3 = 49.5 हो जाएगा। इसको हम करेंगे तो 8 × 3 = 6 − 49.5, इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 7 = 17 = 8 आएगा और इधर हो जाएगा 1 = 18.5। हमारा तीसरा संख्या क्या कितना निकला 18.5। फिर हमको दूसरा संख्या निकाल देंगे। दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें से ले लेंगे एक को, जैसे इसको ले लीजिए 18.5 × 2 − क्या करेंगे 18.5, ये वाला माइनस करेंगे, तीसरी संख्या जो है ये माइनस करेंगे, अंतिम दो संख्या का योग माइनस क्या करेंगे तीसरी संख्या। तो इसको अगर हम करें 18 × 2 = 36, ये 37 हो गया, माइनस 18.5, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5, 16 × 8 = 8, बस गया 2 × 1 = 1। मतलब 18.5 हमारा दूसरी संख्या भी निकला। अब हमको पहली संख्या निकालना है, पहली संख्या, तो पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे इसको ले लेंगे तो 15.5 × 2 − क्या करेंगे 18.5 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा 15 × 3 = 31 − 18.5, इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12.5। ठीक है, मतलब हमारा पहली संख्या, सॉरी एक संख्या ये होगा, तीसरी संख्या, दूसरी संख्या और पहली संख्या, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 12.5, 18.5 और 18.5, यही सीरीज हमारा आ रहा है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे तीसरा संख्या हमको निकालना है। पहले हम मान के चलिए कि पहली दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है 15.5 और अंतिम दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है 18.5, तो हम योग निकाले हैं। पहली दो संख्याओं का योग मतलब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंतिम दो संख्याओं का योग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ तीनों संख्याओं का योग निकाल दिए हैं जबकि तीन संख्या का औसत दिया हुआ था 16.5। ठीक है, इसको माइनस करने के बाद आया है हमारा ये तीसरी संख्या। दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे अंतिम दो संख्याओं का योग माइनस तीसरी संख्या, इसको माइनस कर दिए, दूसरी संख्या भी निकल गया। पहली संख्या निकालेंगे तो पहली दो संख्याओं का योग माइनस दूसरी संख्या कर दीजिए, या हाँ दूसरी संख्या, इसको माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक खिलौना 185 रुपए में खरीद कर प्रांजल ने उसे 18% लाभ पर बेच दिया, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था। तो ये भी क्वेश्चन जो है कि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए विक्रय मूल्य, क्योंकि हमको पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ, ठीक है, बटा चलिए तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 100। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रैमुल हमारा दिया हुआ है 185 × 100 प्लस लाभ करेंगे, जबकि 18% लाभ हो रहा है तो 118 हो जाएगा बटा 100, इसको काट दीजिए, ये कटेगा 20 × 5 = 100 कट जाएगा, और ये काट दीजिए आप 5 × 10 और 9 × 18 ये कट गया, इसको काटिए 5 से 1 कटेगा, 5 × 3 = 15 और बच गया 3, 7 × 5 = 35 कट जाएगा, 4 × 5 = 20 ये कटेगा,
चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रैमुल हमारा दिया है 185 इंटू, यहाँ पे 100 प्लस लाभ है तो लाभ हमारा 18% दिया गया है तो हम उसको 118 लिख सकते हैं, 100 प्लस 18 बराबर 118 बटा 100, इसको हम काट सकते हैं, ये 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 सॉरी 3 पचे 15 इसको काट दीजिए और यहाँ पे आ गया 3 7 पचे 35 इसको काट दीजिए और 20 पचे 100 काट दीजिए। यहाँ पे क्या कीजिए, 2 से काटिए, 5 दूना 10 और 9 दूना 18 ये हो जाएगा 10 दूना 20। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 59 में 37 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 से 63 और 7 पचे 35, 35 6 41, 9 3 27, 5 3 15, 15 2 17 हो जाएगा 3 8 7 4 11 और 2 21 83 आ जाएगा हमारा 21 83 बटा 10। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 218.3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन जो है कि ये कुछ डीआई का क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पाई आरेख दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संसाधित गैर निष्पादनीय जिसे एनपीए के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। यदि सभी बैंकों के तहत कुल एनपीए 300 लाख करोड़ है तो कौन से बैंक का एनपीए अन्य बैंक की तुलना में सर्वाधिक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे आंकड़े में देखिए जो सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा 30% है और ये 30% किसका है, तो ए का है, ए का 30% दिया है सबसे ज्यादा बाकी की तुलना में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ए। ठीक है, चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये ऐसे ही निकल गया। चलिए आगे जो है कि देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले, उसमें उसने 15 रुपये की टॉफी खरीदी, उसकी माँ ने उसे 30 रुपये दिए पर उसके भाई ने उससे 42 रुपये ले लिए, तो उसके पास कितने रुपये बचे। चलिए तो यहाँ पे क्या है कि उसके पिता 50 रुपया देता है, ठीक है, जबकि वो टॉफी खाता है कितना का, 15 रुपये का, 15 रुपये का टॉफी खाया तो बचा कितना, 35 रुपया। अब इस 35 रुपया में फिर उसको माँ ने दिया है 30 रुपया तो प्लस 30 कर दीजिए तो हो गया 65 रुपया उसके पास, जबकि 42 रुपया क्या है कि उसका भाई ले लिया तो उसके पास बचा कितना, माइनस कर दीजिए 3 और 6 में से 4 घटेगा 2, 23 रुपया उसके पास बचा और यही आंसर होगा। और ये आंसर ए, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि एक टेस्ट में चंदन ने 45 अंकों में से 16 अंक प्राप्त किया, उसे एक और टेस्ट देना है और पास होने के लिए उसे कुल 48% अंकों की आवश्यकता है। यदि दूसरे टेस्ट का पूर्णांक 80 था और वह केवल पास हो सका तो दूसरे टेस्ट में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। चलिए इसको इस क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कहता है कि पहले टेस्ट में उसको 16 अंक प्राप्त हुआ है जबकि उसका पूर्णांक था 45 और दूसरे टेस्ट का जो है कि 80 पूर्णांक है तो इसमें कितना परसेंट उसको आएगा ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि पहले टेस्ट में उसको 16 आया है प्लस दूसरे में 80 का कितना परसेंट आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू दूसरे का पूर्णांक दिया है 45 और सॉरी पहले का पूर्णांक 45 है और दूसरे का है 80 और इसका परसेंटेज दिया गया है हमारा 48% है तो 48/100 कर दीजिए। अब इसको काटिए 10 से 10, 5 दूना 10 4 दूना 8 यानी कि 16 प्लस 4x बटा 5 इज इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो 5
और 8 × 4 = 12, 125 इंटू 48 बटा 100, इसको काटिए, 25 × 25 = 125 और 20 × 25 = 100, काटिए, 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, ये 12 से 4 बार में कट जाएगा। तो आगे हमारा 16 + 4x / 5 = 12 × 5 = 60। तो 4x / 5 = 60 − 16, यहाँ पे आ गया 4x / 5 और यहाँ पे आ जाएगा 44। अब यहाँ पे हमको निकालना है, इसको काट दीजिए, 11 बार में काट दीजिए 4 से, तो x बराबर हो जाएगा 11/5 = 55%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 से 44 को काटे 11 बार में और x का वैल्यू आ गया 11 में 5 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 11/5 = 55, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल में कह रहा था कि कितना प्रतिशत दूसरे टेस्ट में आया है अंक, तो 55% उसको अंक आया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि जतिन ने 5000 रुपए का निवेश 3 साल के लिए किया है और ब्याज दर पहले साल के लिए 4%, दूसरे साल के लिए 3% और तीसरे साल के लिए 2% है, तो उसे बाद में क्या मिलेगा। चलिए इसमें क्या है, उसका अमाउंट है 5000 रुपए। ठीक है, इसमें 3 साल तक ब्याज लगाना है, पहले साल है 4%, दूसरे साल है 3% और तीसरे साल है 2% का ब्याज लग रहा है। तो 5000 का 4% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 200 रुपए, 5000 का 3% निकालेंगे तो आ जाएगा 150 रुपए और 2% निकालेंगे तो आ जाएगा 100 रुपए। ठीक है, अब फिर क्या है, दूसरे साल जो है कि फिर ब्याज लगेगा इसका, पिछले वाले ब्याज का, तो किसके हिसाब से लगेगा, 3% के हिसाब से। तो यहाँ पे 3% का ब्याज लगेगा तो 6 रुपया होगा। अब यहाँ पे आएगा तो इसका ही ब्याज लगेगा, तो इसका ब्याज लगेगा 2% के हिसाब से, तो यहाँ पे आएगा जैसे 1500 का 2% निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 काटिए, 5 × 2 = 10 और 3 × 5 = 15, मतलब आया 3 रुपए। फिर इस पर भी ब्याज लगेगा तीसरा साल। ठीक है, तो इस पर लगेगा तो 200 का 2% लगाएंगे तो 4 रुपए हो जाएगा, और इस 6 रुपया का भी तीसरा साल जो है कि ब्याज लगेगा तो 6 रुपए का 2% के हिसाब से लगेगा, तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, 0.12 आएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, तो ये हमारा निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 200, 300, 450, यह हो गया 450 प्लस ये हो गया 6×3 = 9, 9×4 = 13, 13.12, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 463.12, और ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। जबकि निकालना है हमको मिश्रधन, तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस मूलधन में ऐड करेंगे 43.12 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5463.12 रुपए, यही हमारा अमाउंट होगा, यही उसको मिलेगा। ठीक है, तो अंत में जो है कि 3 साल के अंत में उसको मिलेगा 5463.12, और आपका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक टैंकर को पाइप पी द्वारा 32 मिनट और पाइप क्यू द्वारा 36 मिनट में भरा जा सकता है, जब यह भर जाता है तो इसे 20 मिनट में एक पाइप आर द्वारा खाली किया जा सकता है, यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक का आधा भाग कितना भरेगा। जबकि देखिए पी भर रहा है 32 मिनट में, क्यू भर रहा है आपको 36 मिनट में, और आर खाली कर रहा है 20 मिनट में। ये तीनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 32, 36 और 20, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे 2 से लगाएंगे 16×32, 18×36, 10×20, फिर 2 से 8×16, 9×18, 5×10, चलिए अब नहीं कटेगा तो आ जाएगा 2×4 = 32, ऐसे कर दीजिए 5×10 = 20, 20×8
160, 160, 169, 144, 1440 आ जाएगा। तो इसका एक मिनट में कितना पानी भरेगा वो निकालेंगे, मतलब 1440 में 32 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौका 32, 9 पचे 45, यहाँ आएगा कितना 45। एक मिनट में कितना भरेगा, 45 लीटर मान लीजिए पानी भरता है। क्यूब कितना भरेगा, तो हो जाएगा हमारा 8 पचे 40, ठीक है। आर खाली कितना करेगा, तो आर खाली करेगा आपको 72 लीटर पानी खाली करेगा। अब सवाल में क्या कहा जा रहा है, ये हमारा है कि टोटल कैपेसिटी दिया है, कुल कितना हमको भरना है उसमें, उस पाइप उस टैंकर में, टोटल टैंकर में भरने का ये दिया है आया है 1440। इसका हमको क्या करना है, आधा भाग को भरना है, है ना। तो आधा भाग को भरने के लिए क्या करेंगे, इसका हम आधा लेंगे तो 720 आएगा आधा। अब इसको जो है कि भरना है, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, तो ये दोनों को जोड़ करके इसको माइनस कर देंगे, ये अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40 गुना 80 85 माइनस 72 यानी कि 720 बटा ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपको 2 सॉरी 1 होगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे 720 में 13 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 13 पचे 65, 12 में से 5 घटेगा 7 5 12 कट गया 0, फिर 13 पचे 65 5 आया 15 आएगा, ठीक है। तो 55.15/5 ही आएगा, तो 5/13 ये हमारा समय लगेगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा, आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन आपका बी सही है कि 55.5/13 मिनट में वो क्या होगा, टैंक आधा भर जाएगा, ठीक है। आधा जो है कि जो फुल टैंक है वो टैंक पूरा फुल हमारा कितना मान लिए थे 1440 था, तो आधा भरने में उसको कितना समय लगा, 55.5/13 और यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रहीम ने 15 मिनट की देरी से अपनी यात्रा शुरू की जिसके कारण अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए उसे 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलानी पड़ी। इस यात्रा के दौरान तय की गई कुल दूरी क्या है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है कि आपको एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जैसे xy/x + y ये आप ट्रिक लगा सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि हमको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है समय गुने चाल। तो सबसे पहले हम चाल को निकाल लेते हैं, तो चाल हमारा यहाँ पे दिया गया है कितना, 45 और 54 किलोमीटर दिया गया है। तो 45 गुने 54 बटा 45 प्लस 54 गुने, अब यहाँ पे सवाल कहता है कि 15 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, समय दिया है 15, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको घंटा में चेंज कर देंगे। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, 45 × 54 इसको ऐड करेंगे तो 5 4 9 और 5 4 9 सॉरी माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करना होगा, ठीक है, क्योंकि दो चाल है और एक ही दिशा में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा पहले बड़ा वाला लिखिए 54 माइनस 45, अब यहाँ माइनस करेंगे तो 14 में से 5 घटेगा कितना होगा, 9 × 15/60 ये हो जाएगा 9 6 54 कट जाएगा, 15 चौका 60 काट दीजिए और इसको और काट सकते हैं 2 × 4 3 × 6 यानी कि हो जाएगा 5 3 15 और 4 3 12 और 1 13 135/2 हुआ, इसको 6 × 12 फिर हो जाएगा 7 × 14 5 × 10 67.5 आंसर हो जाएगा, ये 67.5 किलोमीटर आंसर होगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है।
दस नंबर कहता है कि यदि 11 बटा 20 बटा रूट एक्स बराबर 80 है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 10 से 10 काटिए, ये 8 बार में ये कट जाएगा, 8 इकाई 8 और ये हो जाएगा आपको 8 चौका 32, 14 बार में ये कट जाएगा 8 से, तो रूट एक्स इज इक्वल टू 14 होगा। ये रूट हटाएंगे तो इस पर पावर चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 196 और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे रूट हटाएंगे तो इस पर क्या होगा, पावर चढ़ जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगा, मतलब 14 × 14 हो जाएगा, मतलब 196 इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, आसानी से निकल जाने वाला है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में तो सबसे छोटा कोण कौन सा है। यहाँ पे 1:2:3 दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं x+2x+3x=180, ये हो जाएगा 3×2=5x, 6x=180, तो ये 30 बार में कट जाएगा, x का वैल्यू आया 30, तो x का वैल्यू आएगा 30, तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, 30 डिग्री का सबसे छोटा कोण होगा, और दूसरा होगा 60 डिग्री और तीसरा होगा 90 डिग्री का, लेकिन सबसे छोटा हमसे पूछा गया था, सबसे छोटा हो जाएगा 30 डिग्री और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पाई चार्ट वित्तीय वर्ष 2017 से 2018 के दौरान खिलौने बनाने वाली एक कंपनी XYZ की बिक्री के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। आपको एक पाई चार्ट दिया गया है, आप उसको गौर से देखेंगे, ठीक है। फिर कहता है कि सभी खिलौनों की बिक्री से उत्पन्न कुल आय 38,72,000 थी, तो लर्निंग ब्लॉक से कितनी आय उत्पन्न हुई थी। तो लर्निंग ब्लॉक से निकालना है, जबकि टोटल है 38,72,000, यहाँ लिखेंगे 38,72,000 का लर्निंग ब्लॉक का है कितना, 15%, तो 15/100, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 15 × 2 = 30, कैरी 3 होगा, 15 × 7 = 105 और 3 × 8 कैरी हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 15 × 8 = 120, 10 × 130 का 0 कैरी हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा 15 × 3 = 45 और 13, तो 45, 10, 55, 3, 58 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है बस, और आसानी से निकल गया। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन कहता है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 10 है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, है ना, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, यही हमसे पूछा गया है। तो इसका कुछ लॉजिक नहीं है, बस इसको क्या कीजिए कि इसका अपोजिट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये समीकरण हमारा 1 हो गया, इसका अपोजिट अगर करेंगे तो आ जाएगा 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और ये 1/10 हो जाएगा। जैसे इसका जिसे प्लस में था इसको माइनस में किए तो ये भी क्या होगा, पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए इसको हम अगर काटेंगे तो ये कट गया, ये हो जाएगा 2 cot θ = 10 + 1/10, यानी कि 2 cot θ = 10 100 + 1, सॉरी यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया 2 cot θ = 99/10। अब यहाँ पे कर सकते हैं कि cot θ = 99/20 और यही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में पॉइंट में दिया गया है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 20 × 80 बच गया 19, पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, 190 हो जाएगा, तो 9 बार में लगा दीजिए,
बस यहाँ पे देख सकते हैं, और सर दो दो ऑप्शन है बी और सी में आ रहा है 4.90 4.9। इसको हम डिवाइड करेंगे 99 में 20 से, तो लगाएंगे 4 बार में 80 आएगा, 9.10 देंगे, लगा देंगे 9 बार में तो आ जाएगा 180.01, फिर 0 आएगा, अब लगा दीजिए 20 25 100, यानी कि 4.95 हमारा सही आंसर होगा 4.95, और ऑप्शन आपका हो गया बी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि 14 लोग एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 दिन काम करने के बाद दो और कामगार उसमें जुड़ जाते हैं, तब से कितने दिन में काम पूरा कर लिया जाएगा। मतलब 14 लोग 12 दिन काम करता है, ठीक है, फिर सवाल में कहता है कि 14 लोग हैं, 2 दिन काम और कर रहा है, सॉरी 4 दिन कर रहा है ना, इंटू 4 प्लस, उसके बाद सवाल में कहता है कि 14 लोग पहले से है और 2 आदमी और आ जा रहा है, यानी कि 14 प्लस 2 मतलब 16 आदमी हो गया। चलिए 16 इंटू एक्स, ठीक है ना, कितना दिन में काम को खत्म कर लेगा, मान लेते हैं कि एक्स दिन में काम को खत्म कर लेगा, तो इसको हम कर सकते हैं 12 चौका 48, 12 का 12 4 16 168, ये हो जाएगा 14 चौका 56 प्लस 16 एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 168 माइनस 56 इक्वल टू 16 एक्स, माइनस करेंगे तो 8 में से 6 घटेगा 2 एक 112, 16 से काटेंगे 7 बार में कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ गया 7 और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, 7 दिन में जो है कि काम पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप बिना पेन का भी निकाल सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट के अंदर का काम कीजिए, और उसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, बार ब्रैकेट का काम करेंगे। सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, जैसे 119 डिवाइड 22 माइनस 90 डिवाइड 23 माइनस 105 डिवाइड 7 इंटू 3 पर बार ब्रैकेट दिया गया है, और चलिए इसके बराबर में क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब जैसे ही बार ब्रैकेट मिलता है तो सबसे पहले इसके अंदर का काम करेंगे, तो 7 21 हो गया, 21 से 105 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार में आएगा, 21 25 105 मतलब 5 बार हो गया, 5 आया, 23 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18 आएगा, फिर 18 में 18 25 90 कटेगा, 5 आएगा, 22 में से 5 घटाएंगे 17 आ जाएगा, 17 17 119 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप इस तरह से निकालेंगे इधर से शुरू करके, तो आसानी से आपका निकलते चला जाएगा, आंसर 7 आ जाएगा, और ये ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको ज्यादा बनाने की भी जरूरत नहीं है, आंसर 7 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर चमन गंतव्य पर 3 मिनट पहले पहुंच गया, यदि उसने 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की होती तो वह 1 मिनट की देरी से पहुंचता, चमन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो इसमें दूरी निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है समय गुने चाल या चाल गुने समय, तो चाल हमारा दिया गया है 57 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक चाल दिया हुआ है आपको 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें क्या करेंगे 57 माइनस 48 करेंगे, क्योंकि दोनों चाल सापेक्ष है, इनटू समय यहाँ पे दिया गया है कितना 3 मिनट की देरी से और 1 मिनट की देरी से, तो जोड़ देंगे बटा में 60 कर देंगे, घंटा में चेंज कर देंगे। चलिए इसको हो गया ये 57 गुने 48 बटा, इसको माइनस करेंगे 17 में 60 घटेगा 9 मतलब 9 आएगा, यहाँ हो जाएगा 4 बटा 60 15 चौका 60, इसको काट दीजिए
इसको काट सकते हैं, 3×9 और 19×57 ये कट जाएगा, और 16×48 इसको काट दीजिए, या 16×48 काट सकते हैं इसको। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16×9=144, कैरी 14 हो गया, 16 और 14 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6×4=10, 2×2=1=3, 30 आएगा, 304 आ गया, बटा 15 इसको डिवाइड कर दीजिए, 15×30, 4 आएगा 0., पंद्रह दूना तीस दस 15×6=90, यानी कि आ गया 20.26। ठीक है, तो 20.26 ऑप्शन ए में है, हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 20.26। ठीक है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन इसी सेट में पिछले क्वेश्चन को हमने इसी टाइप से किया है, आप उसको देख सकते हैं या अभी देखे भी हैं आप, और इस तरह का क्वेश्चन जो है कि कुछ सेट में आया भी है, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, या वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, जिसे दिया गया है एक समचतुर्भुज, ठीक है, जिसका एक विकर्ण 16 दिया है और यहाँ पे एक भुजा दिया है 16, तो यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले हमको भुजा निकाल लेना है बाकी सब, तो भुजा बराबर हो जाता है फॉर्मूला 1/2√D1² + D2², ठीक है, मतलब D1 हो गया विकर्ण पहला और विकर्ण दूसरा, यहाँ पे भुजा दिया है 16 बराबर 1/2√16² + D2², ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यदि हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर आ जाएगा हमारा 256 A1/4 × 256 + D2, ठीक है। चलिए हम इसको लिख सकते हैं कि 256 + D2 = इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×24, 5×20, 2×22 और 4×8=10, 1024 आया, तो D2 बराबर हो जाएगा 1024 − 256, माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा, सॉरी D2² रहेगा यहाँ पर, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14 में से 6 गया 8 × 6 = 14, बच गया यहाँ पे 1, 11 में से 5 गया 6 × 5 = 11, और यहाँ पे बचा हमारा 9 9 में से 2 घटेगा 7, ठीक है, यानी कि D2² आ गया 768, तो D2 बराबर हो जाएगा √768, अगर इसका हम फैक्टर करेंगे, 8 2 आया है तो बाहर निकल जाएगा 4 1 2 3 4, √3, 2 × 4 × 8 × 16, 16√3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो 16 आ जाएगा हमारा, 8 2 आएगा और 3 आएगा, तो 4 2 बाहर निकल जाएगा और 3 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 4 × 8 × 16√3। चलिए तो यहाँ पे हमको D2 हमको आ गया, अब हमको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 × विकर्णों का गुणनफल होता है, तो पहला विकर्ण हमारा 16 है और गुणे 16√3 हो गया, दूसरा विकर्ण इसको काट दीजिए 8 × 16, 16×8 = 128√3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, 128√3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो 1/2 × होता है विकर्णों का गुणनफल, तो यहाँ पे 2 विकर्ण दिया हुआ है, 16 और 1 आया है 16√3, 8 × 16 काट दिए, 16×8 = 128√3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए
18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 18 नंबर कहता है कि चार संख्याओं ए बी सी डी का कुल औसत 26 है, यदि ए और बी का औसत 19.5 है तो सी और डी का औसत क्या होगा। अच्छा चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी डी का योग निकाल लेंगे, ठीक है ना। औसत दिया हुआ है तो ए बी सी डी का योग हमारा हो जाएगा 26 × 5, यानी कि 6 × 5 = 25 कितना है, ए बी सी डी 4 ही तो है, 4 से करेंगे तो हो जाएगा 6 × 6 = 24, 4 × 8 = 2, 10 = 104 आएगा। फिर कहता है कि ए और बी का औसत दिया हुआ है तो ए और बी का योग निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 19.5 × 2 = 19 × 38 = 39 हो जाएगा। निकालना हमको क्या है कि सी और डी का निकालना है, सी प्लस डी का औसत निकालना है तो हमारा हो जाएगा सी और डी का जब निकालेंगे तो 104 − 39 / 2 हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 14 में से 9 घटेगा, 9 × 5 = 14 बच गया, 9 में से 3 घटेगा 6 हो जाएगा, / 2 इसको डिवाइड कीजिए 32.5 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन है 19 नंबर, कहता है कि एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 1 रुपया में क्या करता है, 5 खरीदता है और 1 रुपया में 4 बेच देता है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या करेंगे, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 − 4 = 4 बटा कितना लास्ट में बेच रहा है 4 में और गुने 100 कर देंगे तो आ जाएगा 1/4 × 100 25 × 100 काट दीजिए, 25% उसको लाभ होगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जैसे ही आपको कहा कि 1 रुपये में 5 खरीदता है और 1 रुपये में 4 बेचता है, इसको हम क्या करेंगे 5 में 1 से और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस करेंगे और इस आखिरी वाला जो 4 है उसको बटा में करके 100 से गुना करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए, आंसर आ गया 25% और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 20 नंबर है और ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। चलिए 2 साल बाद उनको निकालना है शहर की जनसंख्या, तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 12 लाख वर्तमान में जनसंख्या है इनटू 2 साल तक चल रहा है जबकि 4% का वृद्धि होगा तो 1 + 4/100 कर दीजिए, पावर में 2 कर दीजिए, 25 × 100 काट दीजिए तो ये हो जाएगा 12 लाख × 1 + 1/25 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 12 लाख × 25 = 26 फिर 26 / 25, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो चलिए तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 129,7920 और यही आंसर होगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा सिंप्लीफाई करके, आप आंसर निकाल लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर हमको बताएं और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आप क्या करें कि PDF को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से, तब जाकर के जो है कि आपका स्किल बढ़ेगा। यदि कोई मन में सवाल है तो आप जरूर पूछे कमेंट करके, मैं उसको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सो थैंक यू।